देख सकते हैं उनकी माँ बदहवास है। आप स्थिति देखिए, मुखिया गांव के रक्षा कर रहे जय चोर बा डाका डाल के मर घर में डाका डाल के बेटा के मार दे मुखिया 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 के घर मुखिया के घर में आग लगा दो मुखिया के घर में आग लगा दो। पहले निकल मिल के आओ फिस लहरा दे सब मिल के आओ फिस लहरा दे सब का है बोलिए अंदर नहीं आना है काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है सर? क्या काम हो रहा है अंदर? देखिए सब खड़ा है सर। हर हम मीडिया है भैया, देखिए क्या हुआ। खड़ा है कि नहीं बताइए ना। क्या क्या हुआ है बताइए पूरा घटना। अरे सब पाँच मिनट रुक जाइए, पाँच मिनट रुके ना, पाँच मिनट रुक जाइए, इसके बाद होगा। बताइए भैया क्या स्थिति बनी हुई है, लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है और इस भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से 19 वर्षीय युवक की गला रेत कर मुखिया के दफ्तर में हत्या कर दी जाती है। यह है 19 वर्षीय युवक का हाल दृश्य, तो आप देख के बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये होता है यहाँ पर ग्रास रूट पर किसी की हत्या। ये दो गला के अति में कैमरा लग ले, फुटेज कैमरा पर देखिए, देखिए निर्वंशा जान मार के धर दिया भतीजा के। ये भारुआ मार दिया, ये भारुआ मार दिया निर्वंशा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस वक्त मैं वह खबर दिखाऊंगा जो आपको देखना चाहिए। नीतीश सरकार कहते हैं कि बिहार में जीरो टॉलरेंस है, अपराध मुक्त है। मैं आपको बता दूं, जहां मैं खड़ा हूं या बेरिया है या जो कांड हुआ है बेरिया कर्णपुरा पंचायत के जो मुखिया है रामनाथ यादव, उनके ऑफिस में 19 वर्षीय युवक की गला रेत कर हत्या कर दी है। और अंदर देखिए क्या तमाशा चल रहा है। हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और हम ये जानना चाहते हैं आखिर अपराध जो बढ़ता जा रहा है, कैसे 19 वर्षीय युवक घर से निकलता है और यहाँ मृत पाया जाता है, आखिर क्या बात है? अभी साइड हो रही है, आपको आपको स्टेटमेंट देने के लिए आएंगे आपके पास। आप स्टेटमेंट दे, आप ही अंदर अभी है ना। सर हो रही है, आप भीड़ देखिए पहले। भीड़ हम देख लिए हैं, भीड़ देख रहे हैं, भीड़ देख रही है। इनकी माँ है जो 19 वर्ष से युवक की हत्या हुई नजर आई है। ये आपका बेटा कब कब घर में, ये आपका बेटा कब निकला घर से निकला था, कैसे क्या हुआ था? कैसे अल्लाह तो बता दिए, अब क्या बताए, क्या हुआ था? ऐसे मुड़िया कटक बेटा वके फेंकिए गल के माइया। या जो ऑफिस देख रहे हैं ये रामनाथ मुखिया जो बेरिया कर्णपुरा पंचायत के मुखिया का ऑफिस है, जहाँ पर कौन कौन मारा, कौन मारा इस पर शक करा मुखिया जी, मारा मारा आपके बच्चा को, कम घर से कम निकला था बच्चा है, फोन करके बुलाया गया था। कौन बुलाया? मुंशी बुलाया था, मुखिया जी बुलाया था, मुझे आया था अभी पता नहीं, कल 8 बजे बुलाया था उसको, रात में 8। हाँ हाँ 7-8 रात में 11 बजे रात में बोला के मर लख बताए के रात को 11 बजे यहाँ पर आया था। हाँ 11 बजे 8 बजे कुछ बात था क्या, कुछ बात हुआ था? नहीं छीन लिया था, तो छीन लिया तो उसको बुलाया कि मोबाइल लेबे आओ, तो वो आया वहीं चुप आया, तो बाद बंद करके मार दिया। ये उनकी माँ है जो 19 वर्षीय युवक की जो हत्या की गई है। यह जो थाना, ये जो क्षेत्र है गोपालपुर थाना के अंतर्गत पड़ता है और यहाँ के जो मुखिया है रामनाथ यादव, और यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका यहाँ पर ऑफिस है जहाँ पर एक 19 वर्षीय युवक की गला रेत की हत्या कर दी गई है। बिहार में एक अजीब सा वातावरण बन गया है डर का, डर ऐसा हो गया है कि आप सुरक्षित नहीं है। हाल फिलहाल रुपेश हत्याकांड हुआ, अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीर में कि क्या स्थिति है। रात को जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं, रात को वो यहाँ पर आए थे और पगला नहीं बाप है, चुका दिया, चुका काटे वाला नहीं है। चल
पार्टी उठता एक कलम से नहीं है, डेटा कमाने वाला यही एक लड़का था। देख सकते हैं उनकी माँ बदहवास है, आप स्थिति देखिए। हम कुछ इस घटना को जानने की कोशिश करेंगे, ये घटना कुछ बताना चाहिएगा सर, सर इस घटना के बारे में कुछ बताना चाहिएगा। कुछ नहीं है, कमाई खाए वाले आदमी हम नहीं हाले जे लड़का के जान मार दे लखे वे वही लड़का पर सब घर दुआर हले है खेती का मुखिया हमर छिपा में के परसा छीन लेलक मुखिया मुखिया गांव के रक्षा कर रहे जे इस चोर बा डाका डाल के मार घर में डाका डाल के बेटा के मार देल मुखिया 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 के घर मुखिया के घर में आग लगा दो मुखिया के घर में आग लगा दो मुखिया के घर में आग लगा दो अमन मुखिया लगा मिल के ऑफिस लहरा दे सब मिल के ऑफिस लहरा दे सब उन्नीस वर्ष से युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। परिजन है, रो रहे हैं। आप साफ देख सकते हैं कि क्या स्थिति है, भयावह स्थिति है। गोपालपुर थाना कर्मी जितने भी हैं सब लोग आए हुए हैं और इस नजारा को देखिए जनमंच पर आप, ये क्या स्थिति बनी हुई है, लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है और इस भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से 19 वर्षीय युवक की गला रेत कर मुखिया के दफ्तर में हत्या कर दी जाती है। यह है 19 वर्षीय युवक का हाल दृश्य जो आप देख के बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह होता है यहाँ पर ग्रास रूट पर किसी की हत्या नहीं चल पाया है। आखिर क्या हत्या क्यों हुई है, अब लाइव जनमंच में देख सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको जनमंच पल पल अपडेट दिखा रहा है वहाँ का, किस तरह से रामनाथ मुखिया यादव के ऑफिस में 19 वर्षीय युवक की हत्या कर दी जाती है। अब साफ देखिए तस्वीर में, ये वो तस्वीर है बिहार के, वो जो कहते हैं ना बिहार में जीरो टॉलरेंस, वो नज़ारा है जनमंच पर नज़ारा जीरो टॉलरेंस का देख रहे हैं। ये नीतीश सरकार का नज़ारा है, नीतीश साम्राज्य में कोई खौफ नहीं बचा है, किसी की भी हत्या कर दी जाती है। बिहार सरकार लाख दबा कर ले, लेकिन ग्रास रूट पर आप देख सकते हैं क्या स्थिति बनी हुई है। अगर नीतीश सरकार से सत्ता नहीं संभल रहा है तो सत्ता त्याग दीजिए, क्योंकि आप जब मीडिया को संबोधित करते हैं तो तिलमिला उठते हैं, मीडिया को बोलते हैं कि 15 साल की किस्सा सुनाते हैं आप। अरे 15 साल छोड़िए, हम इस साल की बात करेंगे आपसे। आप देखिए, वो देखिए डेड बॉडी जा रही है, उसे कोई कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं ले जा रहा है उसे कोई अता पता नहीं है। हम जानने की कोशिश करेंगे ये डेड बॉडी कहाँ गया है। उन्नीस वर्षीय युवक की जिसकी हत्या हुई है उसकी माँ है ये, देखिए नीतीश कुमार को दिख रहा होगा, साफ दिख रहा होगा जनमंच के माध्यम से, देखिए उसकी माँ क्या स्थिति है। कहाँ है अपराध मुक्त शहर, कहाँ है अपराध मुक्त आपका राज्य जो आप हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं नीतीश कुमार जी। ये है जीरो टॉलरेंस, किसी के मुखिया घर किसी के मुखिया के ऑफिस में हत्या हो जाती है। अगर मुखिया के ऑफिस में हम लोग सेफ नहीं है तो जनता कहाँ जाएगा, जनता कहाँ जाएगा। ये देखिए, ये हम नहीं जनमंच जावा किसी नहीं कर रहा है, ये साफ तस्वीर में देखिए यहाँ से लाश निकाला गया है और आप देख रहे हैं लगल है ये दो गला के अथी में कैमरा लगल है, फुटेज कैमरा पर देखिए देखिए निर्वंशा जान मार के धर दिया हमारे भतीजा के, ये भारुआ मार दिया निर्वंशा। और माता की गरीब को अथी है जे बताया जा रहा है कि ये लड़के का जो मोबाइल है किसी कारणवश मुखिया ने एक सन्नी नाम के लड़के के थ्रू उसका मोबाइल जो है वो मंगवाया था। बाद में सन्नी नहीं मुखिया के कहने से कुछ ऐसा बताया जा रहा है परिजनों द्वारा कि उसको रविकांत को फिर बुलाया, उसके बाद ये घर नहीं गया। नहीं, गला रेत के नहीं, हत्या सर पे ईटा जो है ईटा से प्रहार से हुई है। सीसीटीवी जो है वो हमारी टीम द्वारा जो है उसका रिकॉर्ड जो सीज किया गया है और घटना
को अंजाम देने वाले का पता लगाया जा रहा है। अभी छापेमारी दो जगह पे पुलिस कर चुकी है और दो नाम आ रहे हैं, उसका जो है और कम्प्लिस कौन है उसके बारे में पता करके आपको अपडेट दे दिया जाएगा। अभी जो ये कार्यालय है ये रामनाथ मुखिया का है। अभी ऐसा जो है किसी चीज़ की पुष्टि हमारे को ऐसा नहीं है, मामले की तफ्तीश की जा रही है, सेंगल वे भी कर रहे हैं, जो भी सामने आएगा आपको बता दिया जाएगा। लड़का मुखिया जी क्या काम करता था? लड़का इसके परिजन बताए हैं कि यहाँ आता जाता था और मजदूरी का भी बता रहे हैं कि काम करता था। वैसा नहीं है, अभी तक कुछ नहीं आया है, जांच कर रहे हैं दो तीन एंगल्स पे और जो भी आएगा आपको फर्दर अपडेट कर दिया जाएगा। कृपया बताएं जनता को क्या हुआ है। एक्चुअली हम लोग किसी भी तरह का स्टेटमेंट देने के लिए अधिकृत नहीं है, ठीक है ना, इसके लिए जो अधिकृत है उनसे आप लोग स्टेटमेंट इस संबंध में ले लिया जाए, ठीक है ना। मुखिया के घर में ऐसा हुआ है कुछ पे बोल सकते हैं स्टेटमेंट इस विषय खाना का मामला? हाँ, घटना घटी है, मुखिया के ऑफिस में एक व्यक्ति का शव मिला है जो उन्हीं के यहाँ काम करता था, ठीक है, हम लोग छानबीन कर रहे हैं। आगे कार्रवाई होगी मुखिया के ऊपर? बिल्कुल कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी। चलिए आश्वासन किए हैं कार्रवाई होगी। उस बच्चे का कोई दोस्त है यहाँ पर? इतना बड़ा हत्या, कुछ दोस्त उसका कोई नहीं है? जी हाँ, जब कोई मर जाता है तो अपना भी साथ छोड़ देता है, और इसकी तो हत्या हुई है, कौन इस पर आगे आना चाहेगा, क्योंकि खौफ तो कुछ नहीं है। जो स्टेटमेंट देगा वो भी मारा जाएगा, जो नहीं बोलेगा वो भी मारा जाएगा, क्योंकि इस राज्य में, इस राजधानी में और संपत चक में एक डर का वातावरण फैल गया है। पुलिस का कोई खौफ नहीं, अपराधी अपराध कर चला जाता है, और अब पुलिस जाँच पड़ताल करेगी, कब पकड़ाएगा नहीं पकड़ाएगा यह तो जांच का विषय है। और आपको मैं बता दूं, रुपेश हत्याकांड भी इसी तरह से चल रहा था और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। जब रुपेश हत्याकांड इतना हाई प्रोफाइल मर्डर का पता नहीं चला है, ये तो छोटा सा जीव है इस संपत चक प्रखंड का, इसका क्या होगा। नीतीश कुमार जी जब मीडिया को संबोधन करते हैं तो तिलमिला उठते हैं और बोलते हैं कि 15 साल पहले देखिए जाके कि बिहार कैसा था और अब बिहार कैसा है। तो आप बताओ, थोड़ा कष्ट कीजिएगा, आप बिहार ऐसा है कि मुखिया घर में जाता है, काम करता है साल भर, और पता चलता है कि उसकी हत्या कर दी जाती है। जब घर में ही चोर हो तो शहर में कहाँ ढूंढने चले, सोचने वाली बात है। ये भीड़ देख सकते हैं, ये यहीं की आम जनता है, और जनमंच साहब को लगातार अभी लाइव रिपोर्ट दिखाया कि किस तरह से शव को ले गया है। उसकी माँ थी, उसकी बहन थी, उनके पिता डिसेबल्ड है, यानी कहा गया पागल हैं वो। दो भाई एक बहन, एक भाई की तो हत्या हो गई है, एक छोटा सा भाई है, क्या है, दो भाई एक बहन है, दो भाई एक बहन है, बस दो भाई एक बहन। अच्छा, आप लोग यही रहने वाले हैं? मुखिया का मिजाज कैसा है, कैसा आदमी है, कौन बोलना चाहिए, कैसा आदमी मुखिया, क्योंकि आप बताइए मुखिया का क्या मिजाज कैसा यहाँ का है, क्योंकि जरूरी यहाँ बाबा बोलेंगे, बाबा बाबा तो अब तो यहाँ बहुत दिनों से रह रहे हैं मुखिया का, चूंकि ये जो मर्डर हुआ है मुखिया घर में हुआ है, घर में चोर और शहर में पता चल रहा है कि अपराधी खोजा जा रहा है, मुखिया मिजाज कैसा था? मुखिया जी तो सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने घर पर नहीं रहते हैं। अच्छा। बस यही प्रॉब्लम है, मुखिया जी ठीक है लेकिन घर पर नहीं रहते हैं, कौन मार सकता है, हमारा तो बोल ही ना आता है साहब, तो हम कहा जाने नहीं है, अब क्या कह सकते हैं उसमें, हमने के तो बोल नहीं सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हत्या हुई है। ये तो आप भी देख रहे हैं कि लाश जा रही है, हत्या कौन किया है पता नहीं, हमें भी नहीं पता है, लेकिन जनमंच पड़ताल करेगी, पता लगाएगी। और हमने अभी मुखिया से बात करने का कोशिश भी किया, उनका फ़ोन ऑफ बता रहा है, शायद डर गए होंगे, हड़बड़ा गए होंगे, लेकिन जब किसी के घर लुटती है ना तो घर को बचाने के लिए कोई भी बंदा हो वो घर के सामने खड़ा रहता है, घर के कुर्सी पर बैठा रहता है। इनका घर में, इनके ऑफिस में, इनके दफ्तर में हत्या हुई है तो सामना करना चाहिए, मीडिया को सामना करना चाहिए, सच बताना चाहिए कि मैं अपराधी नहीं हूँ, क्यों छुप रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। जब जनता की जरूरत पड़ती है तो जनता के बीच रहते हैं, आज आपके घर में कांड हुआ है, आप कहाँ छुपे हुए हैं, बाहर निकलिए, जनता जानना चाहती है कि आपके ऑफिस में इतना बड़ा जो घटना घटी है, दिल दहला देने वाला,
कोई भी माँ कोई भी बच्चे को नहीं भेजेगी किसी के घर में काम करने के लिए। इस तरह के जो हर्ष किया गया है, आपको सफाई देनी होगी। आखिर क्या बात है, आखिर कौन सी रंजिशें हैं, ऐसा कौन सा अब माहौल बन गया था आपके ऑफिस में कि 19 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई है। छुपिए मत, सामना कीजिए, सामना कीजिए। जनता सब जानना चाहती है संपतचक प्रखंड के अंतर्गत बेरिया कर्णपुरा पंचायत के आप मुखिया हैं, और यह जो रोड है यह बेरिया रोड है जो गया जा रही है पटना टू गया, यह रास्ता आपका यहाँ पर मेन रोड पर ही ऑफिस है। ये देखिए ऑफिस है इनका, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, दिख गया होगा आपको, यह है ऑफिस। अपराधी तो अपराध करते ही हैं, सबसे बड़ी बात होती है पुलिस को खौफ, पुलिस का खौफ होना जरूरी है। जब तक पुलिस का खौफ नहीं होगा हम लोग सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। कहते हैं सही सुनता आई सही सुनता, बात होती है ना, बर्दाश्त करने वाली बात। जनता त्रस्त हो गई है, अब बर्दाश्त की सीमा ऊपर बढ़ गई है। कहीं भी राज चलते किसी की हत्या कर दी जाती है, कोई सेफ नहीं है। कैसा राज का निर्माण करें नीतीश कुमार जी, आप कहते हैं सुशासन की अच्छी तस्वीर दिखाते हैं लोगों को, कहाँ है सुशासन? अगर आपका सुशासन कोई भी खौफ होता तो मुखिया के दफ्तर इतना बड़ा कांड नहीं होता। हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द एक्शन लीजिए इस ऑफिस पर, इस जितने भी जाँच जुटे हुए जितने भी दस्तावेज है जनता के सामने, अपने जो बिहार प्रशासन है उनको निर्देश दें कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए। अगर आपको खबर अच्छी लगी है, अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा सा दर्द झलक रहा है इस बच्चे की मौत को देखकर, तो शेयर करें, या ना शेयर करेंगे तो क्या शेयर करेंगे, आलतू फालतू वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।